हेलो गाइस, गुड आफ्टरनून। टाइम हो गया दोपहर का। मेरा सारा काम सुबह का निबट चुका है। मैंने आपके साथ सुबह का रूटीन शेयर करा था, तो अभी मैं इंट्रो बाद में कर रही हूँ क्योंकि सुबह मैं नहा के नहीं आई थी, तो कपड़े बस ऐसे ही हो रहे थे, तो जल्दी जल्दी मैं काम निपटा रही थी। बस मैंने सोचा इंट्रो बाद में कर लूँगी, इंट्रो मैं बाद में कर रही हूँ डियर। तो प्लीज़ मेरी वीडियो में बने रहना, और मैं क्या कुछ करती हूँ आपके साथ सब शेयर करूंगी। अगर मेरी वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना, और न्यू फ्रेंड प्लीज प्लीज सब्सक्राइब जरूर करना। सो गाइस, मैं समेट देती हूँ सामान और चादर वगैरह झाड़ देती हूँ, और दोनों बेड की मुझे आज चादर चेंज करनी है। काफी गंदी हो गई है, बच्चे आजकल घर में रहते हैं, गंदगी बहुत फैलाते हैं, और दूसरी चेंज करके बिछा देनी है। किताबें इतना फैलाते हैं कि पूरा दिन मैं बुक समेटती रहती हूँ, लेकिन बच्चे नहीं मानते। और उसके बाद मैं बना दूंगी नाश्ता, और जो कि नाश्ते में मुझे बनाने हैं आलू के पराठे। कई दिन से मैंने बनाए नहीं, तो बच्चों की फरमाइश थी आलू का पराठा बनाना। और ये मैंने प्याज वगैरह सब कट करके रखी है, एक तरफ चाय बन रही है। पूरा डिटेल में नहीं बताऊंगी क्योंकि आलू के पराठे हर घर में बनते हैं, सब अपनी पसंद से बनाते हैं। लेकिन इसमें मैंने सारे रेगुलर मसाले और भुना हुआ जीरा, अमचूर, चाट मसाला, कटा हुआ प्याज, धनिया, अदरक, ये सब मिक्स करके और स्वाद अनुसार नमक, मिर्च, आलू रख ली है। और मैं हमेशा हाथ से मैश करती हूँ क्योंकि कद्दूकस करके मुझे आलू एकदम चिपका चिपका अच्छा नहीं लगता है। और बहुत ज़्यादा भर भर के मैं बनाती हूँ बड़े बड़े पराठे, जो कि मेरे बच्चों को ज़्यादा फीलिंग वाले पराठे ही अच्छे हैं लगते हैं। और खूब मोटे मोटे से मैं बनाती हूँ, जो कि मुझे भी अच्छे, सबको मेरे घर में पसंद हैं। और मैं ऑयल वाले नहीं खाऊंगी, तो मैं बाद में तवे पर ऐसे ही तंदूरी पराठा जैसा बाद में अपने लिए सेक लूंगी। अभी सबका, बाकी का लोगों का नाश्ता करा देती हूँ। और आ जाओ प्लीज़, आप भी नाश्ता कर लीजिए। और मेरे पराठे बनकर रेडी हैं, और बहुत टेस्टी पराठे बनते हैं, और आलू के तो सभी के फेवरेट होते हैं। तो कम कभी भी अगर आप लोग पराठा बनाओ, मतलब ज़्यादातर तो लोग मोटा ही बनाते हैं, लेकिन मेरी रिक्वेस्ट है कि कभी भी आलू का पराठा पतला ना बेलें, क्योंकि पतला बेलने से उसका स्वाद कम हो जाता है। तो हल्का मोटा ही रखें, और कम गैस में, थोड़ा मीडियम गैस में सेकें तो ज़्यादा अच्छा होता है। अगर पतला बेल देते हैं तो उसका टेस्ट में थोड़ा फ़र्क पड़ता है। और ये मेरी चाय उबल गई है, तो प्लीज़ आप लोग आ जाइए। चाय, पराठा और चटनी दूंगी मैं सभी बच्चों, सभी को, मतलब बच्चों को भी और उनके पापा को भी। और आज दही जमाना मैं भूल गई, रात नहीं तो दही भी दे देती। तो चाय से खाएंगे पराठा, तो आ जाइए। और मेरी सबसे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है कि सब लोग घर पे रहना और सुरक्षित रहना, क्योंकि बाहर निकलना सेफ नहीं है और बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम चल रही है बाहर। और ये मैंने कपड़े कल के धुले पड़े, तो वही फोल्ड करके मैं कुछ अलमारी में लगा दूंगी, और कुछ जो पहनने वाले हैं उन्हें बाहर ही रख लूंगी। तो गाइस, सब आप लोग सब घर पे रहना और सुरक्षित रहना, बस मैं यही विनती करती हूँ। मेरे सभी दोस्त, मेरे सभी जान पहचान वाले जो जितने भी हैं, सभी ठीक ठाक रहें। हमारे यहाँ तो बहुत ज़्यादा कोरोना से अफरा तफरी मची हुई है, हम लोग एकदम कैद हो गए हैं घर में, और कोई कहीं नहीं जा रहा है। बहुत ज़्यादा माहौल ख़राब है यहाँ का, मैं आपको शब्दों। और मैं बनाने जा रही हूँ बच्चों के लिए मैंगो सेक, क्योंकि बच्चे, मेरा बेटा आया है ट्यूशन से, काफ़ी गर्मी हो रही है, तो ये मैंने मैंगो कट करके रखा था फ्रिज में काफ़ी देर पहले से ही। और ये लगभग एक बड़ा मैंगो था ये, जो कि मैंने काट लिया था। और आजकल बच्चों को गर्मी में ये सब चीज़ें बहुत अच्छी लगती हैं, शिकंजी, मैंगो सेक। और ये मैं डाल दे रही हूँ शक्कर, क्योंकि आजकल तो खट्टे मैंगो आते हैं, तो ज़्यादा खट्टा तो बच्चों को पसंद होता नहीं है। और ये डाल देती हूँ मैं दूध, अभी थोड़ा कम ही डालूंगी, इसको थोड़ा ग्राइंड करने के बाद डालूंगी। और गाइस गाइस, मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा वॉच करना और शेयर करना अपने दोस्तों में प्लीज़।
तो गाइस ये रहा मैंगो से, कैसा लगा आपको बताना जरूर। और आजकल सब लोग घर पे ही रहना, सुरक्षित रहना और बाहर की चीज़ें अवॉइड करना। और ये देखो काफ़ी अच्छा एकदम क्रीमी टेक्सचर आया है इसका और बहुत टेस्टी बना है। सो गाइस, मेरे घर के पूरे काम निबट चुके हैं। आप देख रहे हो मेरा स्लेब वगैरह पूरा साफ, एकदम किंच सिंक बर्तन, और देखो चूल्हा वगैरह मैं ऐसे ही मांझ के टेढ़ा करके रख देती हूँ जिससे कि पूरा साफ रहता है। सॉरी, मुझे खांसी आ गई। और मैंने दोपहर में कढ़ी चावल बनाए थे और कुछ और नहीं बनाया था। मैंने रेसिपी शेयर इसलिए नहीं करी, मैं कढ़ी की बहुत बार रेसिपी शेयर कर चुकी हूँ। तो दोपहर के लंच में, मतलब जो लंच का खाना था, केवल कढ़ी चावल थे। प्लीज़ आप लोग भी आ जाइए कढ़ी चावल खाने। और मुझे बहुत पसंद है पकौड़े वाली कढ़ी, तो मैं अक्सर बनाती रहती हूँ। और इस समय टाइम हो गया है 4 बजे का, मुझे दूध लेने जाना है गाँव में, तो मैंने बना ली है चाय। और ये मिट्टी वाले कुल्हड़ में लाई थी 10 रुपए के 4, इसमें मैं रोज़ चाय पीती हूँ और बहुत टेस्टी लगती है। तो कच्ची मिट्टी के कुल्हड़ हैं ये, प्लीज़ आप लोग चाय पे आ जाइए और चाय पी लीजिए। और अगर मेरा वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना। न्यू है तो प्लीज़ स्माइल के साथ सभी लोग सब्सक्राइब करना और मेरा साथ देना प्लीज़। आप लोगों से मेरी यही रिक्वेस्ट है गाइस। ये है नींबू, देखिए ये है नींबू, और ये है मेरा यूज करा हुआ नींबू जो कि मैंने सिकंजी बना ली है छिकल। और ये 8-10 काली मिर्च है कुटी कुटाई, और ये 2 नींबू साबुत हैं, और ये है चीनी, और ये है काला नमक। मैं बनाऊंगी नींबू का अचार जो कि हम 2 दिन बाद खा सकते हैं इसे, और जो हमारे बेस्ट छिक्कल होते हैं उससे बना रही हूँ। देखिए वो है, केवल आप इससे भी बना सकते हैं, छिक्कल से भी। मेरे पास कम था तो मैंने फ्रेश नींबू यूज करा है। और अब गर्मी आ रही है गाइस, तो बहुत ज़्यादा इसकी रिक्वायरमेंट रहती है, क्योंकि हमारे को जो वॉमिटिंग वगैरह होती है उसमें नींबू का अचार काफ़ी अच्छा और हेल्दी ऑप्शन होता है। तो अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो लाइक करना और सब्सक्राइब करना और अपने दोस्तों में शेयर करना, और स्माइल के साथ मेरे वीडियो को सब्सक्राइब कीजिए जो भी न्यू फ्रेंड है। और घर में रहना, सुरक्षित रहना गाइस। तो मैं बना के दिखाती हूँ कैसे मैं बनाऊँगी। तो ये मैं डाल देती हूँ फ्रेश नींबू इसके अंदर जो कि मेरा जार है, और ये है छिक्कल वाला नींबू जो मैं यूज कर चुकी हूँ। ये देखिए मैंने इसमें नींबू का छिक्कल और नींबू दोनों चीज़ें डाल दी हैं, और ये इस तरह से छोटा छोटा कट कर लो, क्योंकि बड़ा पीस तो ये खाया नहीं जाता, तो वेस्ट होने से अच्छा है कि हम छोटा छोटा इस तरह से कट कर लें। और ये इसकी बीज की टेंशन मत लो, बीज तो अपने से निकल जाते हैं सब। और ये है कुटी हुई काली मिर्च जो कि मैंने इसमें डाल दी है, इससे बहुत ही अच्छा खट्टा मतलब तीखा सा एक टेक्सचर आएगा। और इसमें नमक थोड़ा ज़्यादा जाएगा, ये देखिए मैं भर के 1 चम्मच डाल रही हूँ, क्योंकि अचार में नमक थोड़ा ज़्यादा ही जाता है, और ये ब्लैक सॉल्ट है। और उसके बाद मैं डाल दूँगी इसमें 2 चम्मच चीनी, और ये इस तरह से निचोड़ दूँगी दोनों नींबू को। आप चाहें तो इसे बड़ी मात्रा में भी बना सकते हैं, लेकिन क्या होता है गर्मी में हम सिकंजी बनाते रहते हैं तो हमारे पास ऑलरेडी नींबू के छिक्कल तो बहुत खट्टे होते हैं। ये देखिए ये थे कटे हुए नींबू, और ये भी इसमें डाल दिए, और ये ऐसे करके, और इस तरह बन के रेडी हो गया नींबू का अचार। ये देखो कितना, और इस इतनी मस्त खुशबू आ रही है, इतनी अच्छी कि मैं बता नहीं सकती। आप एक बार ज़रूर से ज़रूर ट्राई करना। अगर मेरी वीडियो आपको पसंद आई हो तो सभी फ्रेंड से हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है कि वीडियो को फुल वॉच करना और लाइक करना, सब्सक्राइब करना, और घर पर रहना, सुरक्षित रहना। बाय बाय, मिलती हूँ अगले वीडियो में।